कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि राज्य में विपक्ष महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपने मुख्यमंत्री के नाम का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद करेगा। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण और उनके बाद के मुख्यमंत्रियों के प्रयासों के कारण राज्य समृद्ध हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि भाजपा नीत महायुति सरकार ने इस समृद्ध राज्य को गुजरात के हाथों गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी चुनाव के बाद मिलकर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करेगा, इसलिए कांग्रेस अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के अलावा शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि राज्य में विपक्ष महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपने मुख्यमंत्री के नाम का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद करेगा। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण और उनके बाद के मुख्यमंत्रियों के प्रयासों के कारण राज्य समृद्ध हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि भाजपा नीत महायुति सरकार ने इस समृद्ध राज्य को गुजरात के हाथों गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी चुनाव के बाद मिलकर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करेगा, इसलिए कांग्रेस अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के अलावा शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है।